नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M31। दोस्तों आपको बताओ कि हाल ही में इसमें वन यू आई कोर 3.1 का अपडेट आया है, तो अपडेट के बाद जो चार्जिंग स्पीड है उसमें कोई गिरावट हुई है कि सेम है पहले की तरह? हमें यहाँ पे चेक करने वाले हैं, तो हम इस फोन को करेंगे 0% से 100% फुल चार्ज और देखेंगे इसे फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। साथ ही में हम देखेंगे कि चार्जिंग होने के दौरान इसमें कोई हीटिंग इश्यू है या नहीं। तो मैं इसे इसी के जो ओरिजिनल चार्जर है उससे मैं यहाँ पे इसे चार्ज करने वाला हूँ, जो है 15 वॉट का फास्ट चार्जर। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 15 वॉट के जब फास्ट चार्जर से आप अपने फोन को चार्ज करते हो और आपकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 6000, तो ऐसे में लग सकते हैं 2.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे। अगर 2.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे के बीच में आपका फोन फुल चार्ज होता है, मतलब जो फोन है आपका नॉर्मल है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपका फोन जो है 2.5 घंटे से ऊपर के टाइम पीरियड में चार्ज हो रहा है, मतलब आपके फोन में कुछ इश्यूज है और आपको इसे किस तरह से सोल्व करनी है मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फोन है ये पूरी तरह से स्विच ऑफ हो चुका है, बैटरी ड्रेन हो चुकी है कंप्लीटली। तो हम इसे चार्ज करेंगे और दोस्तों जब 1% इसकी चार्जिंग हो जाएगी तब मैं इसे ऑन करूंगा। हालांकि इसमें कोई भी कनेक्शन ऑन नहीं रहेंगे, मोबाइल डेटा, वाईफाई, ब्लूटूथ सभी ऑफ रखूंगा। और बाद में हर एक 20% कितने टाइम पीरियड में होता है हम यहाँ पे नोट करेंगे और टेम्परेचर भी नोट करते रहेंगे। चलिए दोस्तों फोन को हम कर देते हैं लग इन चार्जर के साथ, और फिर जब मैं स्विच ऑन करूंगा बटन को तब यहाँ पे टाइमर भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्विच को ऑन और टाइमर को स्टार्ट। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो फोन अब यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसे फुल चार्ज होने में लगे हैं 2 घंटे 35 मिनट, मतलब 2 आवर एंड 35 मिनट्स। जैसे मैंने आपको बताया था इस फोन को फुल चार्ज होने में जो नॉर्मली टाइम लगता है वो लगता है 2.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक, मतलब 2:30 2:45 के बीच में जो फोन है फुल चार्ज हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपके यूसेज पे, अगर आप चार्जिंग के दौरान इस फोन को यूसेज करते हो, कनेक्शंस ऑन रखते हो, तो हो सकता है आपको 3 घंटे के करीब जो टाइम पीरियड है लग जाए। लेकिन मैंने यहाँ पे अपने फोन को केवल स्विच ऑन किया था, कनेक्शन सारे ऑफ थे, एओडी हालांकि ऑन थी लेकिन सारे कनेक्शंस ऑफ थे, इसलिए मुझे लगे हैं 2 घंटे और 35 मिनट। और अगर बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर की, तो फ्रंट में टेम्परेचर नॉर्मल है और बैक में 35, वो भी नॉर्मल है। अगर बात करेंगे चार्जर की तो चार्जर 36 है। चार्जर एक समय 37.8 तक पहुंचा था लेकिन उसके ऊपर गया नहीं, मतलब ज्यादा चार्जर भी हीटअप होता नहीं है और फोन भी ज्यादा हीटअप होता नहीं है चार्जिंग के दौरान। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसी टेस्ट करना चाहते हो आप घर पे कर सकते हो जैसे मैंने किया है। अगर आपको 3 घंटे से ज्यादा समय लगता है, मतलब आप समझ जाना कि आपके फोन में कोई इश्यू है, अगर आपको उस इश्यू को सोल्व करना है तो आप रिकवरी मोड में जाके जो कैश पार्टीशन है उसे वाइप कर सकते हो, 1-2 दिन में आपके जो चार्जिंग इश्यूज है वो सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों
इस तरीके से आप अपने M31 में अपडेट के बाद भी जो अपना फोन है 2.5 घंटे से लेकर 2.75 घंटे के बीच में अपने फोन को फुल चार्ज कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि अपडेट से पहले या अपडेट के बाद इसमें कोई भी चार्जिंग स्पीड जो इश्यू है या चार्जिंग स्पीड में जो डिफरेंस है वो नहीं आया है। पहले जितनी स्पीड से चार्जिंग होती थी उतने ही स्पीड से अभी भी चार्जिंग हो रही है। और दोस्तों अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 से 20% 29 मिनट, 20 से 40% 28 मिनट, 40 to 60% 28 मिनट, फिर 60 to 80% 28 मिनट, लास्ट के जो थे 80% to 100% उसके लिए लगे 41 मिनट। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट के 20% करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हो सके तो आप 80% तक अगर चार्ज करते हो आपके फोन को तो आपका समय भी बचेगा और आपकी बैटरी लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।